तो गाइस ओके, थम्स अप यू द लेजेंडरी प्रोडक्टर और मैं जो था शेयर करने लायक नया वीडियो। सो वेलकम बैक आफ्टर माय एग्जाम्स हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। सो यस, मेरे एग्जाम्स बेसिकली आज ही खत्म है। आई मीन जब तक तुम्हें वीडियो मिल रहा होगा तब तक 16th ऑफ दिसंबर हो चुकी होगी, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जो है अभी 15 दिसंबर की रात टाइम क्या हो रहा है 8:37 PM, 8:37 हो रहे हैं। तो या बेसिकली अगर मैं एग्ज़ाम्स के बारे में कहूँ तो हाँ अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अब तुम तो जानते हो तुम्हारा भाई ठहरा पढ़ाकू, तो कोई भी एग्ज़ाम तुम्हारे भाई को कुछ नहीं उखाड़ सकता। आई मीन यूनिट टेस्ट थे तो फिर हो ही गए, और स्पेशली MCQ फॉर्मेट था तो जैसे तैसे हो गए। ऑफलाइन में तो ओ शिट वो नाइट मेरा भाई, मैं बोलना चाहता हूँ। एंड अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले नेकी वालों ने शैडो फाइट 4 अरीना में एक नया ऑलमोस्ट 900 MB का अपडेट निकाला, और उस MB ने इस गेम को इतना वाहियात बना दिया। अरे रे रे, कसम से गाली देने का मन कर रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। सबसे पहले जो चीज़ इस गेम ने वाहियात करी, मैं बताता हूँ उस अपडेट में हुआ क्या क्या। उस अपडेट में नया मोड आया जो कि था 1v1, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही है। अगर तुम 1v1 खेलना चाहते हो तो खेल लो, खैर क्या ही कह सकते हैं। तो खैर 1v1 से तो खैर मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो हुई प्राइसेस को लेकर। किसी भी हीरो को अपग्रेड करने की स्पेसिफिक प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिंक को लेवल 7 से लेवल 8 में 3500 कॉइन्स में अपग्रेड किया था जहाँ तक मुझे याद है। तो सार्ज को भी, मतलब सार्ज की भी रेयरिटी से मैं ये भी रेयर है, लिंक भी रेयर है, तो इस लॉजिक के हिसाब से सार्ज को भी 3500 कॉइन्स में अपग्रेड होना चाहिए था लेवल 8 पर, लेकिन इसकी जगह सार्ज हुआ लेवल 8 पर अपग्रेड 10,000 कॉइन्स में। 10,000 फ्रिकिंग कॉइन्स, आर यू लिटरली किडिंग मी? और 10,000 ऐसे ही नहीं मिल गए भाई, मैंने जेम्स स्पेंड किए हैं, वो भी पता नहीं कि 500-600 जेम्स स्पेंड किए हैं, तब जाके मैंने सार्च को लेवल 8 का किया है, क्योंकि कॉइन्स अब इतने ज़्यादा कम मिलते हैं भाई। दिस गेम इज सीरियसली रैग्ड। मतलब शैडो फाइट 3 तो वाहियात थी, उससे तो भाई खानदानी दुश्मनी, उससे जितनी नफरत करो उतनी कम है, लेकिन अब न कि शैडो फाइट 4 के साथ भी ये काम कर रहे हैं। मतलब भाई ये अब थोड़ा सीरियस है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने अभी एक महीने पहले जब शैडो फाइट अरीना शुरू की थी तब इसका थोड़ा सा पहले खेल कर शुरुआत में मुझे अच्छी फील आ रही थी कि हाँ ये गेम जो है शैडो फाइट 3 से बड़ी उतनी पे टू विन नहीं है। बट उस अपडेट के बाद नेकी ने अब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया इस गेम को देखने का। सही में नेकी का ये फंडा है कि नेकी ऐसे अपडेट निकाल दे जिसकी किसी ने पूछा तक नहीं था। यार क्या बात कर रहे हो तुम? देखो गेम में अपडेट का मतलब क्या होता है, तुम कुछ नया एलिमेंट जोड़ते हो, कुछ ऐसा जोड़ते हो जिससे प्लेयर्स की हेल्प हो जाए, बग्स या ग्लिचेस को ठीक करते हो, या फिर कोई नया कैरेक्टर या ऐसी चीज़ जिससे गेम का आनंद ही आ जाए। लेकिन नेकी उसका ठीक उल्टा कर रही है, ये गेम को इतना ज़्यादा हार्ड बना रही है। अरे रे 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 भाई, कसम से रोना निकल जाए इंसान का। तो यस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में लिंक का रिव्यू किया था, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सर्च दिए फायर गार्ड का। एंड क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझे जो है 4 नए रेयर कैरेक्टर्स मिले हैं, जो कि है होंगजू, हेलगा, कोबरा और जेट। तो बेसिकली मुझे ये 4 नए कैरेक्टर्स मिल गए थे जिस दिन वो अपडेट आया था। सो या इट्स प्रीटी ओपी, एंड लगभग मैं कहूँ तो ये तीनों कैरेक्टर्स कोबरा, हेलगा और जेट, ये तीनों ही बहुत ओपी हैं। हालांकि मैंने होंगजू को अभी तक यूज़ नहीं किया है बिकॉज इट्स ओनली लेवल 4, लेवल 5 या 6 का होने तक का मैं वेट करूँगा अभी तो।
तो अगर तुम मेरे चैनल पर ना और तुम्हें ऐसे ही शैडो फाइट 4 रिलेटेड कंटेंट पे इंटरेस्ट है तो चैनल को भी कभी जाकर सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दो ताकि मेरी जब भी कहीं नहीं वीडियो तो तुम सबसे पहले देख पाओ। इस वीडियो पे बहुत बड़ा वाला तुम सब कुछ जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो एंड लेट जंप इनटू आवर एक्चुअल वीडियो। ओके तो आवाज़ मैं थोड़ी सी बढ़ा लेना चाहूँगा, बस रैंक्ड लगा लो भाई। और पता नहीं भाई ये मैच मेकिंग का ही क्या ही सिस्टम है यार, इतने कैंपर्स इतने स्पैमर्स मिलते हैं ना भाई, कसम से फ़ोन तोड़ने का मन करता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा आता बात ये जब वो कैंपर या स्पैमर तुमसे लो लीग का हो, मतलब उसके पास तुमसे कम ट्रॉफीज हो बट तब भी वो जीत जाए। सही बता रहा हूँ, इतनी गुस्सा आती है कि भाई फ़ोन तोड़ दो, सही बता रहा हूँ। बे यार गॉड डैम इट, VPN लगा के आना पड़ेगा। Much, much, much later. Finally, भगवान के नाम पर लग गया। ओ शिट अबे ये क्या लग गया, इसकी उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा था। मार्कस लिनक्स गए भाई, गए लग गए अपने तो। ओके लगता है मुझे स्पैम करना पड़ेगा इसके साथ। अच्छा ठीक है ठीक है, डोंट इवन थिंक माय बॉय। What a dodge भाई, nice, okay, जैसे तैसे, okay, Jackie boy bring it on, इसकी shadow fortress भाई मरवाई, literally बता रहा हूँ मरवाएगी इसकी shadow fortress। इसकी चमायल बेटे तुम्हें हिम्मत कैसे पड़ जाती है, नाइस पिस जाओ बेटे पिस जाओ। बेटे आज तो मैं फायर गार्ड के साथ तबाही डाल रहा हूं, क्या है ये, या तो ये बंदा नूब है या फिर मैं फायर गार्ड के साथ कुछ ज्यादा ही प्रो हूं, क्या यार लिनक्स शिट। बेटे मानना पड़ेगा तेज हो रहे हैं, लो इसी बात पर चलो। नाइस चलो अब इसका काम तो मेरी जेट कर देगी, कोई बात नहीं सर। द साइज एंड डैमेज ऑफ द एक्सप्लोजन व्हेन एक्टिवेटिंग द एबिलिटीज द डेमोनिक पावर, ओ शिट मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, एक्चुअली मैं थोड़ा पावरफुल है। क्या हुआ सर, आज से पहले क्या इनविजिबिलिटी का स्वाद नहीं चखा है। परफेक्ट दैट्स हाउ वी डू इट। ओ भाई आज जितनी ट्रॉफीज खोई थी ऑलमोस्ट सभी मैंने वापस रिगेन कर ली हैं, नाइस भाई। यार बस ऐसे ही प्लेयर्स मिलते जाए मज़ा आता रहेगा। अभी दो और मैच खेलने हैं, शिट ये कितना ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। ओके ओके भाई ये मैं आ रहा ना, सही बता रहा हूँ कतई घुंडस चढ़ जाएगी मेरे को।
इसी बात पे ये लो। ओके नाइस ओपी भाई ओपी भाई, आज मैं फायर गार्ड के साथ इतना बढ़िया कैसे खेल रहा हूँ भाई? ये मैं ही हूँ या फिर कुछ और है ये? इधर तो आओ बड़े मियाँ। ओ शिट, विल सप्रेशन लग गए, पीछे हो जाओ। बहुत सही, शाबाश। अब मेरी बारी। बढ़िया भाई, दिस इज लिटरली एपिक। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मैं ही खेल रहा हूं। डैम, भाई पता नहीं मेरे अंदर आज कौन सा भूत चढ़ गया है। क्लोज तो आने दे वे। अबे और ओके फाइन, यू डिजर्व इट। कहाँ कहाँ कहाँ, नाइस भाई। मैं ही हूँ, कौन है ये? फायर गार्ड के साथ मैंने लिटरली, भाई देखो ये चीज़ देखो भाई, ये चीज़ देखो। और अगर इसी पॉइंट पे मैं हारता ना, मेरी इतनी सारी ट्रॉफीज जाती हैं। और भाई कतई तबाही। ओके तो इन द सेंस फायर गार्ड एक्चुअली मैच तबाही ढा रहा है भाई। आज क्या हो गया ऐसे भाई? या तो आज फायर गार्ड ज़्यादा ओपी हो गया या फिर मैं, आज मैं, आज मेरे अंदर ही प्रो की आत्मा घुस गई है। नाइस, आई लाइक इट। यानी कि मैं फायर गार्ड को जितना यूजलेस समझता था उतना यूजलेस भी नहीं है। ओके ओके ओके, ये लास्ट फाइट वीडियो की, बस एक लास्ट फाइट जिता दो, एक लास्ट फाइट हमारे नाम करवा दो। माँ कसम यूपी बिहार तुम्हारे नाम करवा देंगे। अबे नहीं 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 नहीं, नहीं। नाइस भाई ओपी। ओके ओके ओके, इसके पास एट द रेडी। यार ये एट द रेडी क्यों होती है इन लोगों के पास हैं? अब तेरे की नाइन डाइविट स्टाइल मैडम। अभी मुझे ऐसे नूबड़े क्यों मिल रहे हैं?
कत्ता ये सत्यानाश। ओपी भाई, आई एम जस्ट किलिंग इट। अच्छा ओके, इसका आयरन क्लैड अभी बचा है। मैं जीत से पहले जश्न बनाने लग गया। ओके ओके फाइन। खैर ये आयरन क्लैड वाले स्पैमर इतने घुंडस दिलाते हैं ना। कोई बात नहीं, तेरी रेंज में रहूंगा मैं। ये बा नो प्रॉब्लम, सब इससे आगे मेरी जेट संभाल लेगी। फायर गार्ड फुलफिल्ड हिज पर्पस। कोई बात नहीं, फायर गार्ड अब इससे आगे हम बाकी लोग संभाल लेंगे। ओ बेटे, लग गए भाई। ओपी नाइस, आई लाइक इट। बढ़िया भाई, ओपी फायर गार्ड एक्चुअली में ओपी है भाई। भाई मैं तो इसे कोयला समझता था भाई, ये तो कोयला नहीं है भाई, ये हीरा है। मतलब अगर तुम्हें पता है इसके साथ कैसे खेलते हैं, डैम मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है भाई इसके साथ स्पैम करते हैं। भाई इसके साथ स्पैम मत करो, ये ऑलरेडी अपने आप में एक हीरा है। तो यस, फायर गार्ड एक्चुअली में एक ओपी हीरो है, तो प्लीज़ इसे अंडर एस्टिमेट करने की भूल ना करें। एंड मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड हूँ कि लेवल 13 का होने के बाद ये क्या करेगा। लेवल 13 का होने के बाद तो खून की नदियाँ बहा देगा ये तो। ओके गाइस, तो ईद आज की वीडियो ऑप्शन तुम लोगों को पसंद नहीं, अगर तुम चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाला पहले कर दो ताकि मेरे जब भी कहने वीडियो तो तुम सबसे पहले पाओ। इस वीडियो पे बहुत बड़ा वाला तुमसे कुछ मोटिवेशन मिलती है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। एंड मैं तुम लोग से मिलता हूँ अपने वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।